साथ हूँ और अभी भी आपको लग रहा है जैसे बहुत जल्दी। आप जब साथ होती है ना तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। आपके पास कुछ पैसे तो नहीं पड़े होंगे? कितने चाहिए? $25,000। तो तुम अपनी बीवी से क्यों नहीं बात करते हो? सलमा के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जेवर रखा है ना उसका। वैसे इस गुड लुकिंग आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई एम श्योर न्यूयॉर्क में बहुत सी लड़कियाँ होंगी। लेकिन अगर वो आदमी सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो तो? आप ब्लश कर रही हैं। मैं रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूं इधर ही हैं। अगर आप मुझे बात नहीं करना चाहती तो खुद ही बता दीजिए, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आप खैरियत से हैं। आप तो रेस्टोरेंट आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा मैं ही चक्कर लगा लूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। या फिर मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं? अगर आप माइंड ना करें तो कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ। हाँ, कॉफी? बाकी दिल से पूछ रही हैं। सोच लें अगर हाँ कर दिया तो आपको मुझे ज्यादा देर बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। शायद इसलिए आप दरवाजा नहीं खोल रही थी। It's fine, कॉफी की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे अवॉइड क्यों कर रही? नहीं, अवॉइड तो नहीं कर रही। मेरे ख्याल से हम दोनों जानते हैं कि असल बात क्या है और आप ऐसा क्यों कर रही। मेरे ख्याल में तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आप इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि मैंने आपसे फ्लर्ट किया और मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं? मैंने कहा है ना ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं आ रही? दो दिन से आप अपने अपार्टमेंट से भी नहीं निकली होंगी, चुप क्यों रही आप? मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरी समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। आप एक सिंगल औरत है, मैं एक सिंगल आदमी हूँ। जो मुझसे 15 साल छोटा है। तो किसने कहा कि अपने से 15 साल छोटे या बड़े इंसान से प्यार नहीं किया जा सकता? प्यार? जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके दिमाग में बात आई नहीं कभी। हाँ, नहीं आई। तो अगर आपके दिमाग में बात नहीं आई तो फिर आपका मेरे लिए फेवर्स करना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, जलेबियां, वो सब क्या था? वो मेरी गलती थी। और किसी के साथ तो ये गलती करते नहीं देखा मैंने आपको। सुनो, तुम्हें अपनी उम्र की हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन मुझे उन हजारों से नहीं, आपसे गर्ज है। I think you should leave now. जाओ। आपको लगता है मेरे यहाँ चले जाने से ये बात खत्म हो जाएगी? इस बात का कोई पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं होता मिशेल तो आपने अपने आप को यहाँ अकेले घर में बंद करके क्यों रखा हुआ है? असल बात तो यह है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं और यही बात आपको बॉदर कर रही है कि आप किसी को कैसे पसंद कर सकती हैं, खास तौर पे ऐसे इंसान को जो आपसे 15 साल छोटा हो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन जानना चाहता हूं। I am a divorcee. दिल तो आपके पास भी है। दिल, प्यार, व्यार, इन चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। अगर आप इन चीजों में बिलीव नहीं करती होती मिशा तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। आपको मुझसे जो भी कहना है कह दें, मगर खुद से ना झूठ बोलें प्लीज। और हाँ,
जरूरी नहीं है कि माजी के दर्द की वजह से मुस्तकबिल की खुशियों पर भी दरवाजा बंद कर दिया जाए। मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ आया था क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगा। आप चाहे मुझे धुतकारें लेकिन खुद के दिल में जागने वाले मोहब्बत के एहसास से मत मुड़िएगा प्लीज। आप इतनी सुबह कैसे उठ गए? सिर्फ उठा ही नहीं, मैंने नाश्ता ही बनाया है। आजा। नाश्ता? हाँ, वो मतलब कोशिश की है, जेल में खाना बनाना सिखाते नहीं है इसलिए मैंने बस अंडे ही बनाए हैं। आप ठीक हो? ताई जी किधर है? हाँ वो ग्रोसरी लेने गई और मान को स्क्रैम्बल्ड एग्स पसंद है राइट? जी। आप स्पेशली सुबह उठे मान के लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने? कोशिश किया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो स्लेपल? अच्छा लिसन, मैं तुम्हारे लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए हैं, मैंने चीज नहीं डाली, अरे नो तुम्हें पसंद है कि नहीं, तो आई होप ठीक ही हो बस। ओके थैंक यू। बोलो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बैठो बैठो। मैंने कहा था बुरे नहीं है। सेकंड या एक्सक्यूज मी सेकंड। अच्छा जी, मैंने सोचा कि मैं ईमान को अगर आज स्कूल ले जाऊं तो ठीक है? जी हाँ, पेरेंट टीचर मीटिंग भी आ रही है एंड मैंने स्कूल देखा नहीं, किसी बहाने स्कूल देख लूं। हाँ हाँ, तो दैट इज अगर ईमान माइंड ना करे तो गो टू स्कूल विद अ डैड। नहीं नहीं, ये माइंड क्यों करेगी, सब तो अच्छा लगेगा। एक सेकंड मैं बैठ। चलो 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 बैठो। ओके आपने बोला? हाँ वो तुम्हारी मैडम से कोई बात तो नहीं हुई? क्या मतलब? किसी बात पे बहस या आर्गुमेंट या कुछ? क्यों? उन्होंने नहीं मैसेज भेजा था कि तुम्हारा हिसाब क्लियर कर दिया जाए और तुम्हारी जगह किसी को रख लिया जाए। Look, I made sandwich. Special sandwich, vegetarian. She's not gonna eat it. Why? It's vegetarian. She's not home yet. She's not home? She didn't come home last night. Where you come from? I was at a friend's. We were doing homework. It got late, so I stayed back. Who friend? Why? Tim? It doesn't matter. Don't worry about it. No, no. It matter. You my responsibility, na? Your mother tell... No, this? I'll tell her, and it doesn't matter. It's not a big deal. I will tell her. I will tell you. Wait here. Wait here. Hello, Kathy? Yes? Listen, speaker is on. Is he not home last night? Whole night not home, na? And boy drop her right now. Listen, buddy, I'm in the middle of work. I don't care if she was at Tim or at Obama's house. I am trying to focus here. I'll talk to you when I get back. Told you, it doesn't matter. Thank you.
सिकंदर ने ईमान को स्कूल पे छोड़ा? हाँ, I don't believe it. कसम से, वरना मैं आज जल्दी कैसे आ गई? जरूर कोई गड़बड़ होगी यार. क्या मतलब? मतलब पहले उसने पेरेंट टीचर मीटिंग पर जाने के लिए ऑफर किया, फिर उसने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, और अब इसने ईमान को स्कूल पे छोड़ा है. तुमने क्या कोई जादू किया उस पर? जादू ही किया होगा, या फिर शायद सिकंदर फाइनली पागल हो गया है, या फिर शायद वो वाकई तब्दील हो गया. 3 हफ्ते पहले जो उसने तुम्हारा हशर किया था, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद वो चेंज हो जाएगा इतनी जल्दी? कहने को तो कुछ भी हो सकता है आलिया. हाँ, लेकिन अगर इतने सालों से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए. नहीं, खुश से ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ. झूठी उम्मीदें रख के मैं टूटते नहीं देखना चाहती. और शायद उसने तुम्हें और भट्टी साहब को साथ देख लिया, और इसलिए जेलसी की वजह से वो तुम्हारा प्यार हासिल करने की कोशिश कर रहा है. हाँ, ये सही है, बहुत अच्छे. वैसे भट्टी साहब से याद आया, जब मैं उनके साथ कॉफ़ी पी कर आ रही थी ना उस दिन, यू वॉन्ट बिलीव मेरे सामने कौन आ गया था. सिकंदर. फिर क्या, शुक्र करो उसने मुझे देखा नहीं. बचत हो गई मेरी. वैसे मिला ही देती, उसमें क्या बात है. हाँ, वेरी फनी. मिला देती भट्टी साहब से, तुम्हें जैसे पता ही नहीं है ना सिकंदर का. और अभी तो मुझे कन्विंस करी थी कि वो चेंज हो गया है. ये और बात है. वैसे तुम भट्टी से अफेयर थोड़ी चला रही हो, या फिर चला रही हो, मुझे बता देना. आलिया, पहली तुम्हारी वजह से भट्टी साहब के सामने मेरे मुंह से पता क्या निकला था? कि हम डेट पर हैं. What? फिर? फिर क्या, इतने अजीब हो गए थे वो, और मैं भी इतना एम्बेरस्ड हो गई थी. आखिर दिल की ख्वाहिश जुबान पर आ ही गई. हाँ, समवन्स डेटिंग. Hey. Hey, hi. आपने बुलाया? हाँ, वो तुम्हारी मैडम से कोई बात तो नहीं हुई? क्या मतलब? किसी बात पे बहस या आर्गुमेंट या कुछ? क्यों? उन्होंने नहीं मैसेज भेजा था कि तुम्हारा हिसाब क्लियर कर दिया जाए और तुम्हारी जगह किसी को रख लिया जाए. क्या? हाँ, और साथ में ये भी कहा था कि 2 महीने का बोनस दे दिया जाए. तो आई वॉज वंडरिंग, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करने की कोशिश करूँ. नहीं, इट्स ओके. I mean, I don't know what happened. She was so happy with you. हाँ, लेकिन शायद अब नहीं. Weird. कभी कभी तो मुझे उनकी भी समझ नहीं आती. खैर, तुम देख लेना, ये तुम्हारा हिसाब है. I'm sorry. It's okay. Excuse me, madam. मेरा हेयर कट हो सकता है please? अरे सिकंदर, आप? सॉरी, बताए बगैर आ गया. बिजी तो नहीं? नहीं नहीं, बस अभी क्लाइंट गई है. सब खैर है? सब ठीक है. वो वैसे तुम ईमान को लेने जाओगी, आई थॉट आई कम अलोंग. साथ चलो. हाँ, श्योर. सलमा सुनो, मैं तुम्हारा 4 बजे का अपॉइंटमेंट. 3. हाय. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वो आलिया ईमान को पिक करने जाना है ना मुझे, तो सिकंदर साथ जाएंगे. ओह, हाउ नाइस. मैं बस आई 1 सेकेंड. तो काम शाम ठीक जा रहा है? बस चल रहा है. चले? हाँ. अच्छा, अगर इसको 30-40 मिनट देर हो जाए तो ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों, हम तीनों साथ हैं तो सोचा कुछ खाना शाना खा लेंगे. श्योर, नो प्रॉब्लम. इट्स ग्रेट Have a nice day. You too. Okay. मैं ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगा. वैसे भी मैं जानता हूँ कि आप भी ज़्यादा देर मुझसे बात नहीं करना चाहते. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. तो फिर नौकरी से क्यों निकाला? लानत है, शर्म आनी चाहिए उसे. जाने दे प्लीज. क्या जाने दूं मैं यार, मैं उसको कह रहा हूं बीबी तेरी बेटी सारी रात घर नहीं आई है, तो इससे पूछ कि ये कहां थी सारी रात, क्यों नहीं आई घर वापस. मैं खबर दे रहा हूं.
खबर दे रहा हूँ मैं और आगे से मुझे कह रही है, तो क्या हुआ, कौन सा कोई एटम बम चल गया है? हाँ बटी साहब, अगर उसकी माँ को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है ना, तो फिर आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? बेइज्जती कर दी यार उसने मेरी बेटी, दो टके की इज्जत नहीं रही मेरी उस बच्ची के सामने। तू शुक्र कर कि तेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, तूने यहाँ किसी अमेरिकन से शादी नहीं की, वरना मेरे वाला हाल होता। मुझे तो अमेरिकन पासपोर्ट मिल गया, वरना मैंने भी की होती है। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। खैर है यार। नहीं यार, ऐसे मुंह से निकल गया, सॉरी। ओ चल, अब निकल गया मुंह से तो रहने दे। ग्रीन कार्ड के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पसंद भी थी मुझे वो, ये नहीं कि पसंद नहीं थी, बस क्या करता है, फंस गया। किस्मत बताने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, इट्स ओके। नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगा, वैसे भी मैं जानता हूँ कि आप भी ज़्यादा देर मुझसे बात नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर नौकरी से क्यों निकाला? वो मैं एक और थप्पड़ मार लेती, कम से कम इतनी जान पहचान तो थी आपके और मेरे बीच में, ये जिल्लत मुझे अदनान के हाथों नहीं आपके हाथों मिलती। देखो, उस थप्पड़ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, I'm sorry। उसके लिए आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो थप्पड़ आपने नहीं, आपके उस डर ने मारा था जो आपको लोगों से करीब जाने से रोकता है। देखो जमशेद, हम एक दूसरे से जितना दूर रहें बेहतरी इसमें ही है, इसलिए वो जॉब वाली बात। कमाल है, पहली बार किसी इंसान को इस तरह मोहब्बत से भागता हुआ देख रहा हूं मैं। पर आपको क्या लगता है मिशेल, अगर मैं आपके रेस्टोरेंट में नौकरी करना छोड़ दूंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा? कोई बोर्ड नहीं है जिस पर जब चाहे इंसान कुछ लिख दे और जब चाहे मिटा दे, दिल है मेरा और आपका भी। लेकिन अगर आपको लगता है ये करने से ऐसा होना मुमकिन है तो फिर नौकरी क्यों, मैं वो बिल्डिंग भी छोड़ देता हूँ ताकि आपका और मेरा आमना सामना होने का कोई चांस ही ना रहे। देखो, ये मेरा मतलब नहीं था। आपने जो मुझे 2 महीने का बोनस देके मेरी जात पर एहसान करने की कोशिश की है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखें, बख्शिश मैं काम के लिए लेता हूँ, जिंदगी में नहीं। एक दो दिन में कमरा खाली कर दूंगा और आपको चाबी दे दूंगा, बल्कि अदनान को चाबी। क्या है ना, मुझे आपकी तरह मोहब्बत की तस्दीक करने की। कॉफी कैसी है? अच्छी है। पी क्यों नहीं रही? घर जाके पी लूंगी। मामा ने मना किया क्या? अरे नहीं, वो हाँ कभी कभी मैं कह देती हूँ कि कॉफी में कैफीन बहुत होती है, लेकिन अरे चलो, अब तो आ गई है। हाँ हाँ, अब तो खैर है। यू नो व्हाट, चलो, अगर कैफीन नहीं तो अपने लिए कुछ चिप्स ले आओ, कुछ तो ले आओ। ओके। थैंक यू। किस बात का? ये जो सब कुछ आप ईमान के लिए कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझसे कई ज्यादा और बात करते हैं। लेकिन फॉर अ स्टार्ट ये कम नहीं है। अजीब बात है, बस लगता है कुछ ही दिन पहले इतनी सी थी और अब
इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं। वक्त बहुत जल्दी गुजरता है। Really does. अभी कुछ ही दिन में कॉलेज जाने के लिए तैयार बैठी होगी। इंशाल्लाह। क्या हुआ? अचानक ख्याल आया कि कॉलेज जाएगी लेकिन कैसे जाएगी? इस तरह के बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनके बाप ने मेरी तरह अपनी जिंदगी के 6 साल सड़कों और जेलों पे नहीं गुजारे होते। I'm a waste. नहीं आप लानत है ऐसी जिंदगी पर। नहीं सिकंदर, मैं गलतियों की सजा मेरी बेटी को उसकी खुशी की कमी की सूरत में मिलेगी तो लानत है मेरे बाप होने पर। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। जहां तक इसके कॉलेज की बात है, मैंने उसका इंतजाम किया हुआ है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका क्या हो? कुछ नहीं मैम, मैं भी अभी हो गया था। क्या हुआ? मैं पता नहीं, बस थोड़े से इमोशनल हो गए। डैड आर इमोशनल, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। रियली? व्हाट काइंड ऑफ मैन इमोशनल होता है? भट्टी अंकल। वो देखिए भट्टी अंकल, भट्टी अंकल, भट्टी अंकल। ईमान, उनको यहाँ क्यों बुला रही हो? हाय, क्या मतलब भाई? पर मैं आती हूँ, अगर डैड आए ना तो उनको कहना कि मैं बात करूंगी। हाँ आ रही हूँ मैं। डरती हूँ कि अगर लोगों पे दोबारा एतमाद किया तो पहले की तरह फिर से ठेस पहुंचाएंगे। हाँ जी, कौन था वो? क्या कहते हैं उसे, हाँ सरप्राइज। यहाँ क्या क्या हो रहा है? बस मैं जरा ले 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 पहले सांस ले ले आराम से। अब आप तो ऐसे भाग के आई हैं वहाँ से जैसे मैं खुद चल के वहाँ नहीं आ सकता। नहीं अच्छा, आप यहीं रहे। अच्छा। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह, ये अपना ईमान बच्चा भी आया हुआ है। जी जी, वो वेरी गुड। हाँ अपने दोस्तों के साथ ना। वो तो अकेली बैठी हुई है, आई है उसके साथ? नहीं नहीं नहीं, वो दोस्त इधर उधर हो गए होंगे, आपको तो पता है इन बच्चों का। हाँ अरे चले। जी चले। तलवा का है? ये चिप्स ले ले। क्या फ्लेवर है? लाइक इट? मैं भी चलती हूँ। अरे क्यों इतनी जल्दी? सबको ड्रॉप करना है ना मुझे। तो चलिए ना अपनी, जब है गाड़ी। नहीं 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 नहीं, शुक्रिया, मैंने कहा मैं बस आके सलाम कर दूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, कौन था वो? जी वो मेरी क्लाइंट है ना, उसका हस्बैंड था। चले मॉम। हाँ चले, लेट्स गो। आप कहाँ जा रही हैं? आपने काम पे नहीं जाना वापस? ओ हाँ एग्जैक्टली, मैं तो भूल गई। आप लोग फिर चलें घर? हम लोग चलते हैं फिर, विल सी यू लेटर। ठीक है, बाय। चलो
हेलो। शुक्र है तुमने फोन उठाया, वरना मैं 911 को कॉल करने वाला था। रिजवान? जी हाँ रिजवान। तो और कौन हो सकता है जो इतनी पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा है? कहा हूं तुम, मैं 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही हो। रेस्टोरेंट फोन किया था तो पता चला कि मैडम नहीं आ रही। हाँ वो तबीयत जरा सही नहीं थी। यार राइट, बीमारी को तुमसे डर लगता है कहीं हो ही ना जाओ तुम बीमार। हाँ बस। वैसे लगता है तुमने कसम खा ली है कि तुम रिजवान को नहीं पूछोगी। अगर पता होता ना ये बात कि तुम इतनी डीलिफ्ट करवाओगे तो मैं कभी यहां शिफ्ट ना होता। आई एम सॉरी, मैं हर रिश्ते में बुरी हूं, एक अच्छी दोस्त भी ना बन सकी। मिशेल तुम रो रही हो? नहीं। इज एवरीथिंग ओके? क्या हो गया? मारिया ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो क्या हो गया, मैं आ जाऊं? नहीं बस थक गई हूं। मिशेल इज एवरीथिंग ओके? क्या व्हाट्स रॉन्ग? अपने गिर्द बनाई भी ऊंची ऊंची दीवारों में अकेले रह रहकर थक गई हूं बस। रिजवान मैं अफसरदा नहीं होना चाहती, मैं खुश होना चाहती हूँ, मुस्कुराना चाहती हूँ। तो कौन रोक रहा है तुम्हें खुश होने से? मैंने खुद को रोका है, मुझे पता है, लेकिन डरती हूँ रिजवान, डरती हूँ कि अगर मैं दोबारा खुश हुई तो जिंदगी फिर से मुझे अंधेरों में फेंक देगी। डरती हूँ कि अगर लोगों पे दोबारा एतमाद किया तो पहले की तरह फिर से ठेस पहुंचाएंगे और फिर से तुम्हें चोट ना लगे, हाँ दुख ना हो, रो नहीं। मैडम तो अभी आप कौन सा मुस्कुरा रही हैं? कम से कम इस प्रोसेस से गुजरने से एक तो लम्हा आएगा ना खुशी का, तो टेक अ रेस्ट, ट्राई करो। वो जो खुशी का लम्हा आएगा सो जस्ट गो विद इट, ट्रस्ट इट। इससे ज्यादा चीजी मोटिवेशन आज तक किसी ने नहीं दी होगी। जनाब आपके लिए तो हर वक्त कुछ ना कुछ स्पेशल करना होता है ना हमें। थैंक यू। चलो अब रोना बंद करो। हाँ ओके, जो दिल को सही लगता है करो। दिमाग की बहुत सुन ली है, अब दिल की बारी है। ओके ओके, कम ऑन बाका, बी हैप्पी। ओके चलो, आई कॉल यू अगेन। हाँ ऑलराइट, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वाश तुम टाइम से आ गई, अभी बिरयानी लगाई थी मैंने। बिरयानी? हाँ आज सिकंदर ने खास तौर पे फरमाइश की थी, अभी खा के उठा है, और आज तो ईमान ने भी खाई है। बताओ बेटा कैसी लगी? It was good. अरे सिर्फ गुड, नॉट वेरी गुड? अच्छा बेटा मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, मैंने कहा तुम थकी हुई आओगी, कहाँ बर्तन बर्तन धोगी। अच्छा थैंक यू। कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई जरूर करना। Doesn't feel like our house anymore. Iman. No, Mama, seriously. आपको अजीब नहीं लगता? तुम्हें आदत नहीं है ना इसलिए, लेकिन अब आदत डाल ले मैडम, क्योंकि अब ऐसा ही होगा। हट्टी अंकल कैसे थे? वो ठीक है, तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई काम था इसलिए वो जल्दी चले गए। आपने उनको डैडी की वजह से हमारे पास नहीं आने दिया? It's okay, I understand. मैं कमरे की चाबियां छोड़ा है। I know. अगर कोई डैमेजेस हो तो आप मेरी फाइनल पेमेंट में से माइनस कर लीजिएगा।
वैसे आज ईमान बहुत खुश थी। हाँ अच्छा, इसी बहाने थोड़ा फैमिली टाइम भी हो गया। बहुत अच्छा किया आपने कि आप मेरे साथ उसको पिक करने के लिए आ गए। और वैसे आईजी का भी बहुत अच्छा मूड था आज। हाँ आज बिरयानी डे है ना, उनको बिरयानी बनाने का बहुत शौक है। सलमा वैसे माँ दिल की बहुत अच्छी है, सिर्फ गुस्से की थोड़ी तेज है। जानती हूँ, बुजुर्ग है वो, इतना तो होता ही है। ओके अच्छा पहले तुम वो कॉलेज की कुछ बात कर रही थी, मान के बात रह गई, क्या कह रही थी? हाँ मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि ईमान के फ्यूचर के लिए आप फिक्र ना करें, उसकी पढ़ाई के पैसे का बंदोबस्त कर लिया मैंने। क्या बात कर रही हो, इतने पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करोगी? जो मेरे सारे शादी के जेवर है ना, वो मैं चाह रही हूं कि ईमान के लिए रख दूं। अच्छा है उसकी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा हो जाएगा ना? सलमा सलमा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सलमा। सिकंदर नहीं, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, जो तो उसका सगा बाप नहीं कर सका वो तुम कर रही हो उसके लिए। आप इस तरह क्यों कहते हैं? अगर वो आपकी बेटी है वो मेरी भी तो बेटी है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरी ही बेटी है। थैंक यू, मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया के सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है और मेरे पास ईमान जैसी बेटी है। थैंक यू सो मच। मैं कभी नहीं भूलूंगा। I missed you. Oh, honey, you're lying. No, I'm not. How was the trip? You know, okay, it was work. It was long. Do me a favor. Will you charge this for me, please? Sure. Thanks, Izzy. I'm showing you the gate. Hi, how are you? Okay. Oh, you're still in the mood I left you in. No. I'm okay now. Buddy, I just came back from a trip and this is the welcome I get? I mean, what's the problem now? Problem to my phone to be done. But you don't remember. Problem no important. Forget. Oh, it's the phone thing. Listen, honey, I was at work. What did you expect me to do? You don't even call after now. You don't? Yeah, I'm a really bad mother. I was just saying you should call and know what kid's doing. What is the big deal about the guy dropping her home? No, she was not at home whole night. But you don't care. I don't care about my kids. Yes, yes, you don't. How dare you, buddy, tell me that I don't care about my kids? Where are you going? Homework. Listen, you stay here and listen to me when I'm talking to you. Okay. Standing, listening. Say. Say. अस्सलामुअलैकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का कि तेरी आवाज भी सुनी। कहाँ था तू? नानी को भूल गया ना? नहीं नानी, बस वो जे तो ये समझ नहीं आता, वहाँ जो जाता है इस बुढ़िया को क्यों भूल जाता है? पहले इमरान गया तो वो वहीं का होके रह गया, अब तू भी गुम हो गया। नहीं ऐसी बात नहीं है नानी, बस यहाँ की लाइफ इतनी टफ है। खैर छोड़े, आप बताए कैसे है, क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस वो थोड़ा सा सांस का मसला हुआ था, ठीक हो जाएगा। तो ये बता, काम में तेरा दिल लग गया है ना? जी कोशिश तो बहुत की, मगर लगता नहीं कि बात बनेगी। क्यों? कुछ नहीं, वो इमरान मामू ठीक कहते हैं, यहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? मेरा ख्याल है वापस आने का टाइम आ गया नानी, मेरे शायद पाकिस्तान ही ठीक था।
यहाँ जितनी किस्मत आजमानी थी आजमा ली और किस्मत ने वही नतीजा दिखाया जो आज तक दिखाती आई। नानी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, खुदा हाफिज। हाय। अदनान ने कहा था कि तुम फोन करने आए हो तो मैं कमरे की चाबियां छोड़ा है। आई नो। अगर कोई डैमेजेस हो तो आप मेरी फाइनल पेमेंट से माइनस कर लीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चाबियां वापस देने आऊंगा। जो कुछ पहले हुआ उसकी मैं माफी चाहती हूँ। तुम सही कह रहे थे, अपनी डर की वजह से जो दीवारें मैंने खुद को बचाने के लिए बनाई हैं, शायद वही दीवारें अब मेरी खुशियों का गला घोंट रही। आप क्या समझती हैं? सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरे जज्बात की कोई कीमत नहीं है? आपका जब दिल चाहे आप मुझे जलील कर दें और जब दिल चाहे पलकों में बैठा लें। नहीं मैं जी नहीं। जिस किस्म की बेइज्जती मेरी हुई है वो सिर्फ तब चलती है जब मोहब्बत में कोई गर्ज हो, और मेरी मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं था। आई एम सॉरी मगर आप लेट हो गए। अगली बार अगर आपसे कोई अपने सच्चे जज्बात का इजहार करें तो प्लीज देर मत कीजिएगा। कल वो निघा से बात हो रही थी तो बता रही थी कि उनके महल्ले के बच्चे जो हैं वो कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, उर्दू की, लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। लो निघा आंटी ने यहाँ पर भी ट्यूशन ढूंढ ली। अच्छा है ना, बच्चों को अपनी जबान तो नहीं भूलना चाहिए। बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम लोग ईमान को भी ज्वाइन करवा दो। क्या बात कर रही है आप, यहाँ के ट्यूशन वालों को जितनी उर्दू लिखना और पढ़ना आती है ना उतना सलमा सिखा देगी उसको। क्यों सलमा जी, जितनी उर्दू की जरूरत पड़ती है उतना तो सिखा सकती हूँ मैं। ठीक है भाई, जब अम्मा भाई को फिक्र नहीं है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। और पैसे भी बच जाएंगे। अच्छा, अरे हाँ वो याद आया, अजरा का पता है क्या हुआ? अब क्या हो गया? अरे भाई उनके साथ तो बड़ा ही बुरा हुआ। वो वहाँ पाकिस्तान से जेवर बनवाती थी ना, वहीं से बनवा के लाती थी कि भरोसे वाले ज्वेलर्स हैं, सस्ता पड़ता है। अभी ना जाने क्या सूझी, कहने लगी कि जरा मैं जाके यहाँ पे चेक करवाऊँ क्या कीमत है। यहाँ के ज्वेलर ने जब देखा तो उसने कहा ये तो सारे जेवर नकली हैं। क्या? हाँ। मुझे हैरत इस बात की नहीं कि आपको मोहब्बत हुई, मगर इस बात की जरूरत है कि आपने इतनी आसानी से हार मान ली। हाँ लेकिन अब्बा सुनार तो नहीं है ना। ओके, तुम्हें इतनी टेंशन है तो यहाँ से ज्वेलरी चेक करवा लेते हैं।